है जिस अजियत से गुजर रहे हैं वो तुम नहीं जानते। जिस चीज के बारे में इंसान जानता नहीं है उसके बारे में कोई फैसला भी नहीं कर सकता। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें जो भी फैसला करना है ना, इस बच्चे की पैदाइश की बात करना, जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाओ। तो क्या करूं? मेरी खातिर फिर तुम जो कहोगी जैसा कहोगी मैं तुम्हारा साथ। हाँ? अब्बा जी कैसी लग रही हूं मैं? माशाल्लाह चश्मे बदलू, आज तो मेरी बेटी वापस शहजादी लग रही। और ये अकबर मियां कहां रह गए? काजी साहब आने वाले। अकबर बस आते ही होंगे। असल में मैंने अकबर से कहा था कि 2-3 दिन का सामान अपने साथ ले आए क्योंकि मैं उनको निकाह के बाद 2-3 दिन तक तो नहीं जाने दूंगी। ठीक किया तुमने, 2-3 दिन यही साथ रहना, चौथे दिन उसके साथ चली जाना उसके घर और धमाका कर देना। बाजी अगर अकबर ना माने तो? उसे पूछ कौन रहा है। वैसे आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिन बाद ऐसा रोला डालूंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन एहतियात से बेटा, पिछली वाली शादी भी तुम्हारी बड़े भयानक तरीके से खत्म हुई थी। तुम्हें बाज का कह के 2 मिनट में उसने तलाक दे दी थी, अब ये बात उसको पता ना लगे। सही कह रहा हूँ, बच्चे बच्चे बच्चे, पता है निकाह हो जाने दें, 2 दिन में ना भूत उतारा ना बच्चों का तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। कुछ भी करती रहो लेकिन मुझे 30 लाख रुपए पूरे चाहिए, वो भी एकमुश्त। अब्बा जी आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं लाके दूंगी ना आपके 30 लाख रुपए, और अगर नहीं लाके दिए तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। तबस्सुम, फौरन हमें अकबर के ताया क्या जाना है, अभी के अभी। लेकिन अम्मा। लेकिन मेकिन छोड़ो, अगर आज हम ढीले पड़ गए ना तो याद रखना तमाम जिंदगी हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परसों की नाइंसाफी का बदला लेने का वक्त आ गया है, तुम 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाओ, जल्दी करो।